हाय व्यूवर्स, मैं वर्जिना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बोली। बोली जो भैंस का पहला दूध होता है, जैसे भैंस ब्याती है और उसका जो फर्स्ट दूध निकालते हैं उसको बोलते हैं पंजाबी में बोली। तो ये वो हम बनाएंगे आज, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बिल्कुल मिठाई जैसी होती है। और ये बहुत ही ताकत वाली होती है, कैल्शियम से भरपूर होती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसको मैं इतने अच्छे तरीके से और इतने आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि आपने अगर एक दफ़ा बना ली तो आप बार बार बनाएंगे। तो ये मैंने एक परात ले ली है उसके लिए, और ये हमारे पास तकरीबन 1 किलो दूध है। तो मैं इसमें से, ये देखें, ये इतना गाढ़ा और इतना ज़बरदस्त है और इसका कलर भी बिल्कुल पीला है, बिल्कुल पीला लग रहा है। ये तकरीबन ये वाले 4 कप हैं तो मैंने इसमें डाल लिए हैं। एक परात ले लें, या आप अगर आपके पास कोई इस तरह का सांचा है कोई, वो आप ले लें, कोई ट्रे वगैरह जो आसानी से देगचे के ऊपर पूरा आ सके। हम इसको स्टीम में बनाएंगे। तो ये हमने इसमें दूध डाल लिया है, अब हम इसमें ये 4 चम्मच चीनी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और चीनी को हमने अच्छे तरीके से इसको पहले ही चीनी को हमने अच्छे तरीके से पहले ही इसमें घोल लेना है। अगर हम ऐसे चीनी रख देंगे तो जब ये स्टीम होके ये पक जाएगी और इस टिक्कियाँ बनाएंगे हम इसकी, तो फिर वो पानी अलग होगा। तो इसलिए आप इसको पहले ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और ये मैंने 5 सफ़ेद वाली इलायची है, हरी इलायची, उसको मैंने इस तरह पीस लिया है। इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और चीनी को हम अच्छे तरीके से इसमें घोल लेंगे। और साथ ही मैंने ये एक देगचा पानी का, आधा देगचा पानी का ले लिया है, और इसको मैंने पहले से ही बॉयल होने के लिए रख लिया है और इसकी अच्छी सी स्टीम बनने के लिए इसको छोड़ा हुआ है। तो ये आप याद रखें कि जब जो भी देगचा आप लें और ये जो बर्तन लेंगे तो बिल्कुल उसके नाप का होना चाहिए ताकि वो आसानी से उसके ऊपर पूरा आ जाए। ये चीज़ आपने पहले से ही देखनी है। तो ये कैल्शियम से भरपूर होती है, बहुत ही ताकतवर होती है। और ये अगर आपको कहीं मिले तो आप ज़रूर इसको इस तरह बना के खाएं। ऐसे आपने कभी नहीं देखी होगी जिस तरह मैं आपको बनाना बताऊंगी। बहुत सारे तरीके होते हैं इसके, हर कोई मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको बनाता है। तो जो आपके घर में दूध देने वाला आता है, अगर आप उसको बोल देंगे तो वो आपको ला के दे देगा, अगर आपके पास घर में भैंसे नहीं हैं तो। तो हमने इस चीनी को अच्छे तरीके से इसमें घोल लिया है, ये देखें थोड़ी सी और रह गई है, उसको भी हम अच्छे तरीके से घोल लेंगे। हमारी चीनी अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर हम इसको देगचे के ऊपर रख देंगे जब तक हमारा पानी भी बॉयल हो जाएगा और स्टीम बन जाएगी। ये खाने में तो इतनी टेस्टी है कि अगर आपने एक दफ़ा बना ली तो आप बार बार ऐसे ही बनाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं इसको वैसे ही दूध की तरह पका के और चम्मच के साथ खा लेते हैं, लेकिन इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इसकी टिक्कियाँ बना के आप काफ़ी देर तक इनको रख भी सकते हैं, और अगर आप किसी को देना भी चाहें तो आप इस तरह टिक्कियाँ बना के आप इसको दे सकते हैं। लोग इसका हलवा भी बनाते हैं चने की दाल में, और इसको वैसे ही बना के पीते भी हैं। लेकिन ये जो टिक्कियाँ मैं बना रही हूँ, ये फर्स्ट वाला मिल्क जो होता है उसी की बनती हैं, सेकेंड डे या थर्ड डे वाले मिल्क से नहीं बनेगी। ये सिर्फ पहले दिन वाले दूध से ही बनती है, दूसरे और तीसरे दिन वाला दूध जो है ना उसकी नहीं बनती हैं टिक्कियाँ। तो इसको हम बर्फ़ी की तरह काटेंगे, और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होती हैं। अब हमारी चीनी, ये देखें, मेल्ट हो चुकी है। ये जो काला काला बीच में नज़र आ रहा है, ये हमारी इलायची है जो हमने डाली है। अब हम इसको पानी देखते हैं स्टीम बन गई है या नहीं। तो हमारा पानी अभी बॉयल नहीं हुआ है, बॉयल हो जाए तो ये देखें हमारा पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। अब हम ये परात जो हमने ली है इसको हम इसके ऊपर रख देंगे, इसी तरह ये जम जाएगी। इसको 15 से 20 मिनट के बाद हम दोबारा चेक करेंगे और फिर हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे। अभी डालेंगे तो सारे नीचे बैठ जाएंगे,
तो 10 मिनट के बाद हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसको हमने ऐसे ढक्कन से ढकना है कि इसकी भाप बाहर ना निकले। इस तरह हमने इसको ढक के और 15 मिनट तक इसको हम पकाएंगे और जब ये पक जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, फिर हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। फिर उसके बाद फिर हम 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो टोटल ये 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। अभी हम इसको ढक के और इंतज़ार करते हैं, 10 मिनट के बाद मिलेंगे। देखें 15 मिनट हो चुके हैं और बीच में मैंने चेक किया था 10 मिनट में, और साथ में मैंने ये ऊपर जो है ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। और ये अभी देखें, बिल्कुल ये देखें हार्ड हो चुकी है, सिर्फ थोड़ी सी और रह गई है। तो ये देखें बिल्कुल ये तैयार हो गई है 15 मिनट में। तो अभी 5 मिनट हम इसको और रखेंगे, तो इसमें 20 से 25 मिनट तकरीबन लग जाते हैं। इसमें जब भी आपने इसको रखना है तो पानी का एक कतरा भी आपने नहीं डालना है, ये बिल्कुल प्योर दूध की बनती है। आप इसमें पानी डालेंगे तो फिर पानी अलग हो जाएगा। अभी ये देखें, मैं आपको थोड़ा टेढ़ा करके दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल जम गई है, लेकिन फिर भी हम इसको 5 मिनट के लिए और ढक के रखेंगे ताकि ये ऊपर से थोड़ी थोड़ी जो ये देखें सॉफ्ट लग रही है, तो ये भी पक जाए। फिर मिलते हैं। तो ये देखिए, ये पूरे हमारे जो 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट में ये हमारी खीस जो है वो बन के तैयार हो गई है। अभी हम बहुत ही एहतियात के साथ इसको नीचे उतारेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म है। देखो हमने बंद कर दिया है, अभी हम इसको कपड़े की मदद से परात को नीचे उतारेंगे। ये मैंने ढक्कन रख लिया है नीचे, इसके ऊपर हम रखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी खीस बन के तैयार हो गई है। और ये दूध आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा, ये सिर्फ डेयरी फॉर्म वगैरह होते हैं वहाँ मिलता है, या फिर गाँव में जैसे घर में भैंसें होती हैं वहाँ मिलता है। तो ये अगर आपने बनाना है तो आप किसी दूध वाले को बोलें तो वो आपको डेयरी फॉर्म से ला के दे देगा। तो अभी हम इसको साइडों से इस तरह थोड़ा, इसकी साइडें जो है वो हटा लेंगे इस तरह। ये देखें कितनी ज़बरदस्त जम के तैयार हो गई है। इसकी इस तरह हम अलग कर लेंगे, फिर हम इसके पीस काटेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, आप चकोर पीस काटें या जैसे भी आपकी मर्ज़ी है इस तरह काटें। तो ये देखें अभी मैं इसको इस तरह पीस काटूंगी जैसे बर्फ़ी की शेप में। ये देखिए कितने ज़बरदस्त, ये देखें पीस हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अभी हम इसी तरह सारे पीस इसमें से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी ज़बरदस्ती खीस बन के तैयार हो गई है। आप बोली कहते हैं या खीस कहते हैं, जो भी कहते हैं आपकी ज़बान में, जो भी इसको कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये ज़बरदस्ती हमारी खीस कतलियाँ बन के तैयार हो गई हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में भैंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूध जो आपके घर में देने आता है उसको अगर आप बोलेंगे तो बाड़े से ला के वो दे देगा, और ये बहुत ही हेल्दी ज़बरदस्त होता है, कैल्शियम से भरपूर होता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Oh, oh, oh.